देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए HBN न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबर की ओर। अलीगढ़ में एक उद्योगपति शेखर सराफ की मृत्यु के बाद उनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जनपद में जिले के अधिकारी के आदेश पर जनपद के 3 थाना क्षेत्रों को 100% लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसमें थाना सासनी गेट, डेली गेट अथवा कोतवाली सम्मिलित है। यहां 20 मई तक लॉकडाउन करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं इस मामले में सासनी गेट के चौकी इंचार्ज से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि लोगों को लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करना होगा। यहाँ के सबसे बड़े आदमी शेख अब सरदार जी के कल मृत्यु पर डीएम द्वारा श्री चंद्रभूषण जी के द्वारा अलीगढ़ में 3 राज्य सील कर देंगे। हम आपको बताएंगे उनके नाम, जिनके नाम है सासनी गेट, एक कोतवाली और एक दहली गेट। ये 3 राज्य पूरी तरीके से सील कर देंगे सरकार द्वारा। इन पर कोई निकलना वरना नहीं होता। अगर कोई आदमी घरों से बाहर निकलता है तो सख्त कार्रवाई की जाती है। और लोगों ने बिल्कुल तरीके साथ, देख सकते प्रशासन ने किस तरीके से यहाँ पाबंदी लगाई हुई है। लोगों रोडों पर कोई वाहन नहीं निकल रहा, खाली जरूरत के अनुसार वाहन निकाले जा रहे हैं। कल से जो है पूरे 3 थानों में माननीय श्री डीएम मोहम्मद द्वारा पूरा 100% लॉकडाउन लागू किया गया है। जो आज से लागू है उसकी घोषणा कल की गई थी। इनमें थाना सासनी गेट, कोतवाली नगर और थाना दहली गेट शामिल है। और 100% लॉकडाउन के तहत जो पहले ज़रूरी चीज़ों की जो दुकानें खुलती थी वो भी बंद हो गई है। जो आवश्यक चीज़ें हैं उनकी जरूरत पड़ने पर डोर टू डोर सप्लाई होती है। और अभी जो है सारा मार्केट पूरी तरह से बंद है। सभी लोगों की किसी भी काम के लिए आवाजाही घर से बाहर आने के लिए मना है। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस है, जैसे कोई मेडिकल है, कोई पेशेंट को साथ में लेके जा रहे हैं, कुछ जो नियमों के जो लोग जरूरत जिनको पड़ती है वो आपसे निकाले जाते हैं। हाँ, बस जो बीमार लोग हैं उनको ही जाने की कंडीशन है। बस जो लोग आपके एरिया में गरीब लोग भी हैं, कुछ इधर जो डेली कमाते खा देते, आप उनसे क्या कहना चाहोगे जो अपने घरों से निकले स्वस्थ रहे अपने घरों में, तो आप क्या अपील करना चाहोगे जनता से? मेरी पूरी जनता से यही अपील है कि ये कोरोना वायरस से जो संक्रमण से जो COVID-19 जो बीमारी फैलती है वो बहुत ही खतरनाक है। उसका अभी तक कोई इलाज अभी हम लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। उसका एक ही इलाज है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी लोग जो है अपने घरों से दूर रहे, अपने घरों में अंदर रहे, कोई भी जो है घर से बाहर ना निकले अनावश्यक रूप से। जितना हो सके उतना दूरी बना के लोगों से रखे, किसी के घर ना आए, ना किसी को अपने घर बुलाए। यही सिर्फ उसका एकमात्र इलाज है। तो मेरी हर आम नागरिक से, देश के, शहर के सबसे यही अपील है कि अपने घरों में रहिए। जैसा कि हमने यहाँ के रोहित राठी चौकी इंचार्ज से जाना कि लोगों को किस तरीके से सरकार की सुविधा दी जा रही है, ये कहना चाहते जनता से कि अपने घरों में रहे, घरों से ना निकले, स्वस्थ रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़रूरत के अनुसार निकलते हैं तो उनको ये छूट देते हैं, अन्य छूट नहीं मिलती है। किस तरीके से रोड खाली पड़ी हुई है, लोग यहाँ पर किसी डॉक्टरों की गाड़ी, नगर निगम गाड़ी और कोई नहीं निकल रहा है। बैंकों के लिए लोग निकल रहे हैं और किसी कार्य का नहीं निकलता है। बिल्कुल लंबी रोड खाली पड़ी हुई है। घरों में रहें, स्वस्थ रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। मैं हाँ सिंह HBN न्यूज़, जो सच।